हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, अभी का जो वीडियो है ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, उनका मैसेज आपके लिए। अगर आप सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर आप कॉन्टेक्ट में हो, तो इस वक्त आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है जो आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी दिल की बात वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर, तो चलिए पॉजिटिव हो जाइए। सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, सबके लिए। तो वीडियो को पॉजिटिव होकर सुनना है, ध्यान से सुनना है। तो चलिए देखते हैं उनका संदेश क्या है आपके लिए। उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, एंजल्स गाइड कीजिए, दिव्य शक्ति गाइड कीजिए। देखिए डियर, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार ना जता रहे हो, एक्सप्रेस ना कर रहे हो, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा आप दोनों में। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं, काश तुम जोर से गले लगा कर कहो। आपको गले लगाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं, पागल मैं तो तुम्हारा ही हूँ। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आपको जोर से गले लगाएं, आपको हग करें, प्यार करें और बोले आपको मनाते हुए कि अरे पागल मैं तो तुम्हारा ही हूँ। वाह क्या बात है। तो इस वक्त आपके पार्टनर को आप पर प्यार तो आ रहा है और कहीं ना कहीं इस वजह से ये पर्सन अंदर ही अंदर खुश भी होते हैं कि आपने इनको सच्चा प्यार दिया, प्योर लव दिया। आपके इमोशंस, आपके प्यार कहीं ना कहीं उन्हें मेंटली जरूर सपोर्ट करती है और ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये गले लगा ले, आपको प्यार कर ले और एक बार आप कह दो, आप भी कह दो कि अरे पागल मैं तो तुम्हारा ही हूँ, ये तो हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे। ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की है जो ये आपसे कहना चाहते हैं और इनको स्माइल भी फेस पर आ जाती है। कुछ ऐसी बातें हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ काफी यादें हैं। देखिए, ये यादें में ये याद कर आपको गले लगाना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, कुछ मूवमेंट को याद करके ये पर्सन आपको थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर अच्छी फीलिंग्स महसूस कर रहे हैं। अब ये फीलिंग्स के बाद ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें जल्दी आपके तरफ बढ़ना है। एक अंदर से बेचैनी इनको हो रही है और ये कहना चाहते हैं कि मैं बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ, मतलब कि ये आपके तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं इन्हें एहसास हो चला है कि अगर आप उनके लाइफ में आए हो तो यूं ही नहीं आए हो। बहुत कहीं ना कहीं आपसे एक गहरा रिश्ता है, बहुत डीप कनेक्शन इस वक्त आपके पर्सन फील करें और ये कहना चाहते हैं यू आर माय सोलमेट। तो ये जो भी आपके पर्सन है, मेल फीमेल, आपको अपना सोलमेट मानते हैं और इस वक्त ये कहना चाहते हैं आई वांट यू एंड आई नीड यू। इस वक्त आपके पर्सन को आपकी चाहत हो रही, आपकी जरूरत हो रही है। ये पर्सन कहना चाहते हैं इनकी चाहत बढ़ती जा रही आपके लिए और आपकी जरूरत फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं कुछ पल ऐसे भी इनको याद आ रहे हैं जहां आप दोनों एक बार क्लोज आए थे, आप दोनों में बात हुई थी, मुलाकात हुई थी, एक दूसरे को देखकर पैशनेट होते थे, आप लोग क्लोज आते थे, तो एक अट्रैक्शन होता था, एक अटैचमेंट होता था। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा इस वक्त फील कर रहे हैं और ये चाहत महसूस कर रहे हैं, एक जरूरत महसूस कर रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हो तो आपसे बात करना जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और ये कहना चाह रहे हैं मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, बातें छुपाई है, झूठ बोला है, अगर आपको ब्लॉक करके रखा है या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने इग्नोर किया आपको, तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी हुआ इनसे, कह रहे आई एम रियली सॉरी, मतलब ये दिल से आपको सॉरी बोलना चाहते, मतलब इनका अंतर आत्मा अंदर से धिक्कार है कि आपके साथ इन्होंने गलती की, आपको रुलाया है, आपसे झूठ बोला है, कहीं ना कहीं इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन भी किया है, जिस वजह से इस पर्सन के अंदर कुछ ऐसी बातें चले जहां वो सॉरी फील करे, सॉरी फील करे, जहां आई एम रियली सॉरी, मतलब कि ये अंदर से बहुत गिल्ट और कहीं ना कहीं इनको किसी बात का एक दुख है कि आपको उन्होंने झूठ बोला और आपका दिल दुखाया, तो ये सॉरी
कहते हैं आपके पर्सन। सेवन चक्र का मेडिटेशन मेरे बहुत व्यूवर्स को मैंने देखा है, कुछ लोग नहीं कर रहे लेकिन बहुत लोगों को देखा है कि सेवन चक्र मेडिटेशन का मतलब पता चल गया, कुछ लोग कर भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। और नहीं जो कर रहे हैं, क्योंकि सेवन चक्र का मेडिटेशन है शिव शक्ति को बैलेंस करना, और आपके पार्टनर ईगोइस्टिक होते हैं और आप इमोशनल होते हो, तो सेवन चक्र का मेडिटेशन जो होता है वो आप दोनों को बैलेंस कराता है, उनके ईगो को, आपके इमोशंस को। जहां आप दोनों सेवन चक्र को बैलेंस करते हो तो ईगो उनका और आपका इमोशनल नेचर मतलब बैलेंस में आ जाता है। अब आप में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जो एनर्जी होती है एकदम बैलेंस में आ जाता है, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपके बारे में लोग क्या कर रहे हैं। डिप्रेशन से निकलते हो, मतलब अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हो, बैलेंस में आ जाते हो, डिप्रेशन एंजाइटी सबसे निकल जाते हो, और अपने लिए भी कुछ सोचते हो, अपने सोल पर्पज की ओर जाते हो, पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो, मतलब कि आपके अंदर बहुत परिवर्तन हो जाता है और जितने ब्लॉकेज रहते हैं वो हील होते जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेडिटेशन करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेडिटेशन जब करते हैं तो आपके बॉडी में एक सनसनी सी होती है, झिन 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 सन सन सन, आपके सर के ऊपर से कुछ लगेगा कि जैसे चींटी नीचे उतर रही है, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होते हैं और मतलब कि आप सही रास्ते जा रहे हो। हमेशा याद रखिएगा मेडिटेशन करते वक्त ऐसा प्रॉब्लम नहीं, इसको प्रॉब्लम मत समझिएगा, ये अच्छे साइन है कि आपका जो बैलेंस है धीरे धीरे सुधर रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा साइन है, जो अगर चींटी की तरह रेंगता है, सर के नीचे से ब्लेसिंग जैसा गिरता रहता है, जैसे जैसे लगता है कि सर से नीचे कुछ आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर सेवन चक्र मेडिटेशन करो या ओम चैंटिंग कर रहे हो तो ये आप सही जा रहे हो। अगर इस ऐसी एनर्जी आपको फील होती है बॉडी में, सर में, पैर में, वाइब्रेशन, झिनझिनी, गुदगुदापन, सर से ऊपर नीचे चींटी की तरह रेंगना, तो बहुत अच्छी चीज है। सेवन चक्र कीजिएगा तो पॉजिटिव रहिएगा, बैलेंस में आइएगा, हर क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलेगा, करियर, जॉब, खुद के लाइफ में चेंज आएंगे, सक्सेस आएंगे, आपके पार्टनर आएंगे, तो बहुत कुछ होता है सेवन चक्र का मतलब, ठीक है। आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट भी हो रहे हैं, ठीक है। इस वक्त ये कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए बहुत पैशनेट हो रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए पैशनेट तो हो रहे हैं और दिल से एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, ठीक है, मैं सॉरी फील कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुम्हें पसंद करती हूं, मेरी चाहत हो तुम, मेरी जरूरत हो तुम, ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं। और ये बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहा है, देखिए बहुत ज्यादा ये पर्सन पैशनेट हो रहे हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, इनकी बेताबी और बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन देखिए सॉरी की एनर्जी बहुत आ रही है। वो कहना चाहते हैं कि जो भी हुई उसे भूल जाना है और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना है। वो आपसे कह रहे हैं मुझे माफ कर दो, ठीक है, ये कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, और देखिए प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू एंड आई थैंक यू, मतलब कि आपको थैंक यू भी बोल रहे हैं कि आपने इतना प्यार दिया, और थैंक यू इसलिए कि आप उनको माफ कर रहे हो, ऐसा वो फील भी कर रहे हैं, लेकिन सॉरी भी फील कर रहे हैं, माफी भी मांग रहे हैं, आपसे प्यार भी करते हैं और थैंक यू भी बोल रहे हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा आपके लिए ये पैशनेट भी हो रहे हैं, दिल से एक शुरुआत चाहते हैं। यहाँ लीगल इश्यू किसी के पार्टनर के लाइफ में चल रहा है या फिर आपके लाइफ में चलता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ हो सकती है दिल की रुकावटें आ रही है, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि आप उनसे नाराज हो, तो ये आपकी नाराजगी को दूर करना चाहते हैं, कुछ इस तरह वो नाराज हैं हमसे जैसे उन्हें किसी और ने मना लिया हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है, देखिए ये पर्सन के दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब चलते हैं, जब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, उनको पैम्पर नहीं दे रहे हो, उनके पीछे नहीं दौड़ रहे हो, उनको पर प्रेशर नहीं डाल रहे, तो इस पर्सन के अंदर से एक बेचैनी, एक उथल पुथल, एक खलबली सी मच रही है। ये कहना चाहते हैं कि पहले आप ऐसे ना थे, ठीक है, इतना कंट्रोल करना खुद पर, आखिर किसी और ने आपको मना लिया, मतलब कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, क्योंकि उन्हें वो प्यार, वो सपोर्ट, आपका प्यार पैम्पर नहीं मिल रहा है। तो ये चाहते हैं, आप अगर नाराज हो तो ये आपको मनाना चाहते हैं, नाराजगी को दूर करना चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना है, और ये कहना चाहते हैं बी स्ट्रांग। देखिए आपके पार्टनर ये भी समझा रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, और देखिए बी स्ट्रांग मतलब कि आप बहुत पावरफुल इंसान हो, और ये आपको कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्ट्रांग रहो, ठीक है, और जो भी पावर, जो भी शक्ति है आपकी, वो आपके पार्टनर को भी फील होती है, और ये कहना चाहते हैं कि आप स्ट्रांग रहोगे तो
तो ये भी स्ट्रांग रहेंगे क्योंकि इनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्योंकि लीगल इशू किसी के लाइफ में चल रहा है, लेकिन ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं और इन्हें पता है कि आप उनकी पावर हो, स्ट्रेंथ हो। तो कहीं ना कहीं इनको एहसास भी होता है कि आपने जैसे इनको सपोर्ट किया, इनको पैम्पर किया और कहीं ना कहीं इनको मोटिवेट भी किया, तो इनके अंदर वो पावर, वो स्ट्रेंथ आया। और वो कौन है वो आपको ये कहना चाहते, इसलिए आपको कहना चाहते हैं आप स्ट्रांग रहिए। देखिए थोड़ा सा मुझे बहुत पैशनेट दिख रहा है, अट्रैक्शन भी दिख रहा है, हनीमून की प्लानिंग भी ये कर रहे हैं, ठीक है। इनको बेचैनी बेताबी बढ़ रही है, प्यार करने का दिल कर रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का दिल कर रहा है, आपके साथ बहुत क्लोज आने का दिल कर रहा है। यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। आप मतलब कि ये कहना चाहते हैं, अभी आपको मना रहे हैं, ठीक है, अपनी फीलिंग्स कह रहे हैं, क्योंकि प्यार बढ़ रहा है ना, इसलिए आप उनके लाइफ की वो पार्ट हो, उनकी लाइफ की वो पार्ट हो, सबसे बेस्ट पार्ट हो जो आपने दिया है। और आपने क्या दिया है, इनको बहुत सारा प्यार दिया है, मतलब हद क्रॉस आपने की है प्यार का, तो इसलिए आप यू आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ऑन ऑफ होता रहता है इनका, प्यार बढ़ता है, ब्लैक मैजिक। देखिए डियर, यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी कोई कर रहा है, ठीक है, या आपके ऊपर कर रहा है या फिर आपके पार्टनर के ऊपर कोई कर रहा है, जो आप दोनों का भला नहीं चाहता है। ये थर्ड पार्टी हो सकती है जो आप दोनों को एक होने देना नहीं चाहती है, तो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का भी असर है जो लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। ये कर्मा जो है ना, ये बैड कर्मा, ये गंदे चीज करना उनके लाइफ में रिटर्न जाने वाला है। आप चिंता मत कीजिए, आप हनीमून की प्लानिंग कीजिए, मैरिज की प्लानिंग कीजिए, अपने पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, जो कुछ कर रहा है बस में करना, ऐसा कुछ होता नहीं है। ब्लैक मैजिक जो भी कुछ करता है डियर, वो उसकी बर्बादी होनी शुरू होती है, ठीक है। इसलिए आप उधर दिमाग मत लगाना, आप अपने पे विश्वास करते हो, क्योंकि आपके पार्टनर क्या बोला, बी स्ट्रांग, ठीक है। आप स्ट्रांग रहोगे उनको कोई नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। अगर आप स्ट्रांग रहोगे, आप मैनिफेस्ट करोगे, आप इतना प्यार करोगे, तो उनको कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता है, ठीक है। वो परिस्थिति ऐसी है, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, वो भी एक इंसान है, कहीं ना कहीं जब शांत होते हैं, सोने बग जाते हैं, तो काफी चीज सोचते हैं, गहरी मतलब बहुत गहराई तक वो जाते हैं, और उनको भी पता है कि कौन क्या है, ठीक है। तो ये सोसाइटी समाज होती है, क्योंकि ये 3D दुनिया, इसी दुनिया में सबको रहना, आपको हमको, चाहे वो पार्टनर आपके क्यों ना हो, तो हर समय एक देखिए डिसीजन ये सोच समझ कर लेते हैं, ठीक है। और डिसीजन जब लेते हैं सही वक्त पे लेते हैं, एक डिवाइनिंग टाइम सबका होता है, ठीक है। इतना हमेशा याद, पेशेंस के लिए कभी भी मत हथियार मानना, क्योंकि साई बाबा ने भी कहा है श्रद्धा और सबुड़ी, जहां और श्रद्धा सबुड़ी का आपने पाठ पढ़ लिया, तो आपके लाइफ में सक्सेस आने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बहुत लोग जो है आप दोनों को भला नहीं चाहते, जहां ब्लैक मैजिक का असर दिख रहा है, क्या होना है, कुछ नहीं होना है, क्योंकि आपके पार्टनर खुद कह रहे यू आर माई अदर हाफ, कितना भी कोई कर ले, उनको ऐसा महसूस होता है कि आप उनके शरीर का हिस्सा हो, कोई भी चाहे आप दोनों को अलग करने का, कोई आपको उनके दिल से नहीं निकाल सकता है। ये आपके पर्सन भी कहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इनको एहसास भी हो रहा है। देखिए ड्रीम में कहीं ना कहीं देखिए इनको सपने भी आ रहे हैं, और ये सपने कहीं ना कहीं इनको ये भी कहता है कि आपके साथ भी प्लानिंग करें। कुछ इनको ऐसे भी सपने आ रहे हैं डियर, जहां पैशनेट होना, एक दूसरे के क्लोज आना, प्यार करना, जाग जाना, तो ड्रीम आपके पार्टनर का ऐसे भी आ रहे हैं, ठीक है। और कोई रिश्ते को तोड़ रहा है, आप दोनों को अलग कर रहा है, तो कुछ ऐसे भी आपके पार्टनर के सपने आ रहे हैं, जहां ये घबरा जाते हैं और आपको मैनिफेस्ट करने लगते हैं, और बहुत ज्यादा पैशनेट हो जा रहे हैं। आपके पर्सन और भी कुछ सपने देख रहे हैं, जहां बहुत ही आपको प्यार कर रहे हैं, बहुत ही क्लोज होकर, कोई पैशनेट का कार्ड आया है हनीमून, और ये देखकर जाकर उठ जाते हैं और आपके ख्यालों में चले जाते हैं, ठीक है। अगर बात हो रही है डियर तो भी, अगर नहीं हो रही है तो भी, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर ऐसे सपने देख रहे हैं जहां ये बहुत बेचैन और बेताब हो जाते हैं, इनकी तरफ बढ़ती है और काफी आपको लेकर ये सोचने लगते हैं। तो ये जो रात के सपने आपके पर्सन ने देखे हैं, उनकी बेचैनी और बेताबी यहाँ सपने में आ रही है। तो ब्लैक मैजिक का असर जो दिख रहा है और सपने का दिख रहा है, तो इनको डर भी लगता है डियर कि आपके रिश्ते में बहुत लोग है जो नहीं चाहता है, ठीक है। लेकिन सपने देखने के बाद इस पर्सन के अंदर बहुत कुछ चेंज आने लगते हैं, ठीक है, अनुभव होने लगता है, एहसास होने लगता है,
तो ये कह रहे हैं ब्लैक मैजिक और बी स्ट्रांग, इसलिए आपके पर्सन कह रहे हैं आप स्ट्रांग रहिए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है अगर आप दोनों साथ हो मेंटली, अगर आप लोगों में डिस्टेंस भी है, अगर आप दोनों का प्यार सच्चा है तो आप जितना स्ट्रांग रहोगे ना ब्लैक मैजिक काम करने वाला नहीं है। ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं, ये मेंटली टेलीपैथी आपसे बात कर रहे हैं, ये आपको मैसेज दे रहे हैं डियर। तो कुछ सपने ऐसे भी हैं, देखिए इन ये खुश नहीं है, ये कहना चाहते हैं जब देखिए सपने भी देख रहे हैं, कुछ सपने बहुत तरह के देख रहे हैं, पैशनेट हो जाना मतलब एक डर का भी, खोने का भी डर, तो ये पर्सन सपने देखकर उठ जाते हैं, ठीक है, जहां वो अच्छा फील नहीं करते हैं, आई एम नॉट फाइन, ये पर्सन कहीं ना कहीं उस वक्त टूट जाते हैं, डर जाते हैं और इतना आपके प्रति सोचने लगते हैं, इनकी नींद चैन उड़ जाती है। ये आपसे कहना चाहते हैं यू आर द सक्सेस ऑफ माय हैप्पीनेस, मतलब इनकी जो खुशी है, जो सक्सेस मिलती है, मतलब आपने जो इनके लाइफ में सक्सेस लाया है, जो हैप्पीनेस लाया है उनके लिए, आप उनके लिए बहुत कुछ हो, उनके लाइफ की सक्सेस हो, उनके लाइफ की खुशियां हो, ये आपसे कहना चाहते हैं। ये रात में उठकर आपके सपने आते हैं, बेचैनी से उठ जाते हैं, कुछ ऐसे सपने देखते हैं जहां कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो जाता है यू आर द सक्सेस ऑफ सोर्स। देखिए कुछ भी हो आप उनकी सक्सेस हो, देखिए कोई है जो, कोई भी सोर्स हो, कोई है जो कनेक्टेड है इसमें डियर, या फिर देखिए यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई फ्रेंड मुझे यहां अनुभव क्यों हो रहा है, कुछ ना कुछ मुझे ऐसी अनुभव क्यों हुई कि कोई है जो आप दोनों का मतलब एक दूसरे के तरफ ध्यान रखना और कहीं ना कहीं दूसरे का बात इधर से उधर, मतलब बुरी बात नहीं, आप दोनों को कोई मिलाना चाहता है डियर, ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी मैं जब पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि कोई है जो आप दोनों को मिलाने के लिए प्रेयर प्रार्थना कर रहा है, कोई है जो आपको तोड़ रहा है, लेकिन कोई ऐसा भी कुछ लोग के मतलब कुछ लोग के साथ ऐसा भी है कि कोई सोर्स या कोई है, मुझे ऐसा अनुभव क्यों हुआ अचानक से, हैप्पीनेस सोर्स की एनर्जी क्यों आई, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर और आपके अंदर की फीलिंग्स कोई है जो समझता है, इसमें सबके लिए नहीं है डियर, ये बहुत रेयर है जो एनर्जी मैं यहाँ देख रही हूँ, कुछ लोग हैं जो बहुत रेयर है, जो कि कुछ लोग हैं आप दोनों को मिलाने में लगे हुए हैं, शायद वो आपको भी पता ना हो, ठीक है, आपके लिए प्रेयर और प्रार्थना कर रहे हैं आप दोनों को मिलाने के लिए, कोई है डियर, ठीक है, कोई है, ये ऐसी एनर्जी नहीं आई है, ये कोई है, कोई सोर्स मुझे दिख रहा है, ठीक है, तो चलिए अच्छी बात है, कोई आपके लिए प्रेयर कर रहा है, कोई आपके लिए ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत होती है, टेंशन मत लीजिए, और ये इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं आपको डियर। देखिए कास्ट इश्यू, कहा ना कोई आपको जोड़ने का कोशिश कर रहा है, कोई आपको तोड़ने का कोशिश कर रहा है, और इनर वर्क अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग इनर वर्क कीजिए, ब्लैक मैजिक लेट गो हो जाएगा, मतलब सेवन चक्र का मेडिटेशन हुआ, एक्सरसाइज हुआ, ओम चैंटिंग हुआ, मतलब कि आपका इनर वर्क होना चाहिए, ठीक है, और ये माफी मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। देखिए आपको एक कहेंगे, थोड़ा आप लोग को इन्होंने बहुत वेट कराया है, लेकिन अभी भी मैं कहूंगी कि कास्ट इश्यू आया गया, ठीक है, कास्ट इश्यू आया, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आया, और कहीं ना कहीं लीगल इश्यू आया, कास्ट इश्यू आया, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स आई आपसे मैरिज से रिलेटेड, लेकिन ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कास्ट इश्यू है तो फैमिली इश्यू आ रही है, फैमिली नहीं मान रही, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो कुछ भी अगर पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं ब्लैक मैजिक, तो कोई आपको मिलाने वाला भी यहाँ कोई खड़ा है, ठीक है, आपके लिए कोई प्रेयर और प्रार्थना भी कर रहा है, शायद आपको पता भी ना हो, ठीक है, कोई है, चाहे आपके तरफ से हो या फिर कोई फ्रेंड हो या फिर इनकी फैमिली में या कोई है जो यहाँ पे आप दोनों को एक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कोई हो सकता है कुछ फैमिली में ऐसे भी हो कि जो ब्लैक मैजिक कर रहा है वो देखकर उन्हें बुरा लगता हो, और एक तरफ ब्लैक मैजिक चल रहा है और एक तरफ आपके लिए कोई मैनिफेस्ट करें कि आप दोनों एक हो जाए, एक तरफ तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, समय ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी आई है मैरिज से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, लेकिन ये मिलना चाहते हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, याद करें सपने में आपका आना, उनको तड़पाना, कुछ ऐसे भी सपने हैं जो उनको डरा देती है और आपके बिना वो खुश नहीं रहते हैं, वो कह भी रहे हैं आई एम नॉट फाइन, क्योंकि सपने देखकर उठकर बैठ जाना, काफी सोचना, मतलब डीपली सोचना आपके लिए, ठीक है, तो ये आपकी नाराजगी को दूर करना चाहते हैं, सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया,
मैं यहाँ राशि भी बोल देती हूँ डियर, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ, साइन में मुझे लिब्रा दिख रहे हैं यानी तुला राशि, ठीक है, कैंसर यानी कर्क राशि, मीन राशि यानी पाइसेस, ठीक है। साइन आप लोग बोलते हो इसीलिए मैं, टॉरस यानी वृषभ राशि, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, सेजिटेरियस धनु राशि, लियो यानी सिंह राशि, ये साइन मुझे यहाँ दिख रहे डियर, ठीक है। देखिए आपके बारे में कुछ भी कोई कर रहा है, कुछ भी कोई बोल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर नहीं समझ रहे हैं, सपने ही ड्रीम ही बता रहा है कि वो आपके लिए कितना सोच रहे हैं और ये क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कोई आपके लिए प्रेयर प्रार्थना कर रहा है, कोई आपके ऊपर आपके रिश्ते को ब्लैक मैजिक कर रहा है, लेकिन देखिए हो सकता है फैमिली का भी कोई हो जो आपके लिए बुरा चाह रहा है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। कास्ट इश्यू यहाँ पे कोई ऐसा भी है जो हो सकता है घर की फैमिली मेंबर ही हो, उनके ही फैमिली मेंबर हो जो ऐसा कुछ कर रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को अच्छा ना लग रहा हो, ठीक है, और उन्हें लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इनको पिछले जन्मों का रिश्ता, हो सकता है उनकी फैमिली मेंबर्स हो, भाई हो, बहन, कोई भी हो सकता है डियर, ऐसा नहीं है कि भाई बहन भी हो, सबकी अपनी अपनी होगी आपके पार्टनर के लाइफ में, तो सबकी अलग अलग होगी, भाई भाभी कोई भी हो सकता है, बहन भाई फ्रेंड सर्किल या कजन ब्रदर कजन सिस्टर कोई भी हो सकता है, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर हो रहा है तो वो तोड़ने की भी कोशिश करे, आप दोनों को मिलाने की भी कोशिश करे, कोई सोर्स है जो कहीं ना, हो सकता है डिवाइन ये करा रहे हैं, यूनिवर्स करा रहे हैं आप दोनों को अलग नहीं होने के लिए, लेकिन यहाँ स्ट्रांग की एनर्जी आई है, मतलब आप स्ट्रांग रहो, आप एकदम टाइट रहो, बस अपना मेडिटेशन करो, यूनिवर्स को सरेंडर करो, बस सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाई दो, एक ब्लैक मैजिक की हो रही है, एक आपको बचाने की हो रही है, एक रिश्ते आपको कोई मैनिफेस्ट करा कि आप दोनों एक हो जाओ, एक चाहता है कि आप दोनों अलग हो जाओ, ठीक है। लेकिन ये पर्सन कहना चाहते हैं सॉरी, और हाँ इन्होंने वेट कराया उसके लिए भी सॉरी, लेकिन अभी भी ये थोड़ा वेट करा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा क्या प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, लेकिन चाहत है, प्यार है, अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, मनाना चाहते हैं और आपके करीब आना भी चाहते हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, देखिए एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, पैशनेट हो रहे हैं आपके पर्सन। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, ये मैसेज आपको कैसा लगा, अगर ये अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट में लिखिए और लाइक शेयर कमेंट करें, थैंक यू सो मच।